वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपने हम जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया तो आज यहाँ पे जीटेल इंफ्रा 1.20 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। फ्राइडे के दिन यहाँ पे 4.25% अप क्लोजिंग दे चुका था, अपर सर्किट भी लग चुका था डे एंडिंग में। तकरीबन न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली कोई न्यूज़ नहीं है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। पर बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, तो इंट्रेंसिक वैल्यू में इनसफिशिएंट डाटा है, आरओई वर्सेस एफडी रेट है तो इनसफिशिएंट डाटा है, डिविडेंड रिटर्न की बात किया तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, स्टॉक ओवरऑल जोन में है, तक वो स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। नो रेड फ्लैग्स आने के देखा जाए तो स्टॉक एएसएम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर प्लेज नहीं है। तो बेसिक के साथ प्रो चीज़ें देखे जाए तो प्रो में देख सकते हो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में हाई रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स की बात की जाए तो इनसफिशियंट डाटा है और ग्रोथ स्कोर की बात की जाए तो इनसफिशियंट डाटा है। तो यहाँ पे बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 मंथ का भी चार्ट फ्रेम देखा जाए तो यहाँ पे जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन 14% से ज़्यादा गिराव देखने को मिले हैं। स्मॉल कैप का स्टॉक के मार्केट कैप 1500 करोड़ का है। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क में करंटली स्टॉक है। पी रेशो माइनस में टोटल जो लोन है 5000 करोड़ के ऊपर है और नेट इनकम जो है 1400 करोड़ का लॉस हो चुका है कंपनी को इस साल में। फॉरकास्ट एंड रेटिंग की भी बात किया तो डाटा अनअवेलेबल है, फिर भी यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाली जाए तो पिछले 4 साल से कंपनी को लॉस हो रहा है। रेवेन्यू भी देख सकते हो, रेवेन्यू इस साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पर यहाँ पे जो लॉ कंपनी को प्रॉफिट नहीं, लॉस होता रहा पिछले 4 सालों से। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जीटेल इंफ्रा स्टॉक के लिए।